फुट रही है, वरना फुट गए कल रात। आज बाहर है, सुबह से बारिश हो रही है, लेकर चाय। और सुबह से भाई आज बारिश ही बारिश हो रहा है। आज सुबह से एकदम वेदर है एकदम, सोचा था बाहर जाऊंगी दही हंडी देखने, हमारे कॉलोनी पे थोड़ा फंक्शन हुआ, लेकिन तब मैं उधर थी, मतलब एडिट कर रही थी वीडियो। ए देखो पूरा लाल चाय। सुबह से आज भाई अजीब बॉडी फील हो रहा है, आज सुबह से भाई अजीब बॉडी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोग सोए, 5 बजे सो के बॉडी का संतुलन भाई एकदम अजीब हो जाता है, क्योंकि भगवान के पास थोड़ा बैठे थे, कुछ घर समेटना वो सब करते करते लेट भी हुआ था, अच्छा भी लग रहा था। कभी ऐसा मौका तो देखो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन सुबह में थोड़ा भाई अजीब। शांतनु ऑफिस चले गए, चाय पी रही हूँ, क्योंकि सुबह से आज कुछ खाया नहीं। मैं बोला नहीं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, भूख ना खींचे, क्योंकि पूरा दिन फास्ट देख के उसके बाद रात को वो सब खाना नहीं चाहिए, लेकिन तब भूख लगता है, अच्छा भी लगता है, प्रसाद ही सब चखा लेते। अभी समझ में आ रहा है, मेरा कृष्ण जी ये जगह पर रहता है तो खाली खाली लग रहा है, अभी वहाँ पे है। अरे सिटी बहुत खुश है, सिटी तवा फ्राई कर रही है, हैं? और बर्तन वगैरह अभी तक नहीं रखे क्योंकि सुबह से बॉडी नहीं चल रही। तवा फ्राई करने की क्या जरूरत है, तेरा छोटू छोटू है ना, जल्दी गरम तवा को गरम धोना। ये है कल का छोले दही, उसके ऊपर चाट मसाला और उसका फेवरेट पूरी कचौड़ी, जो पनीर वाला कचौड़ी स्टफ्ड पूरी। बस तो छोले रोज खिला दो खा लेगा, मैं बोलते घोड़ा था तू, ये बांध दे टानी ना बेसी बाबा बातार में तो पड़े जावे ना, तो बस हो जावे। बाप रे आज भी क्या बारिश है, आज का बारिश तो कल से भी ज्यादा जोर है। अरे हटो ना बाबा, पूरा सफेद हो गया, पूरा क्या बारिश है देखो, पूरा जबरदस्त बारिश है आज, पूरा ये पूरा सफेद है, रास्ता तो खाली है लेकिन पूरा एकदम। कल सुबह 5 बजे सब कुछ करके कंप्लीट करके सोया, और फिर आज ऑफिस भी आना पड़ा, और फिर आके अभी लकली आज 2 बजे छोड़ भी दिया, क्योंकि आज दही हांडी का फेस्टिवल है। जल्दी 2 बजे छोड़ने से मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा हो गया, अभी जाके अभी रेस्ट लेंगे, क्योंकि मुझे आना ही था। दूसरे टाइम में बारिश होना हो, जन्माष्टमी के बाद वाले दिन जो होता है, जो दही हांडी वाला दिन, बारिश होना ही होना है। इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, अभी निकलते हैं अभी जल्दी जल्दी घर। भाई लाइट भी जला दिया, भाई इधर सब स्ट्रीट लाइट अभी से जला दिया 2 बजे। पहुँच गए, चलो फाइनली आज ट्रैफिक भी बहुत कम था, मज़ा आ गया चला के, एकदम पूरा खाली रोड में चला के मज़ा ही कुछ। सिटी अगर ये पता है पापा का दबा रहे, शांतनु ऑफिस से आज छुट्टी हो गया ना, 2:30 बजे छुट्टी हो गया, 2 बजे छुट्टी, इसलिए 2:30 बजे आज जल्दी आधा घंटे में आ गए, 20 मिनट बाप रे, हाँ खाली था ऑफिस तो आके बोल रहे स्वीटी सो गए, क्योंकि रात को 5 बजे सुबह 5 बजे सोया शांतनु, 3 घंटे सो के उसके बाद ऑफिस गए, तो इसलिए आके बोले सो जाते हैं। मैं बोला सो जाओ बाबा, स्वीटी को बोला थोड़ा बस सेवा कर सेवा, तभी ना मेवा बोले स्वीटी मेवा, अरे वो वाला मेवा नहीं बाबा, बहुत ये वाला बहुत अच्छा करते, कड़ कड़ करके आपका एक क्या बोलते हैं आवाज आएगा, मेरा वाला तो हर रोज उसको कराती हूँ। नॉर्मली दही हंडी के दिन, आज दही हंडी मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल में से एक है, छुट्टी मतलब हाफ डे आज हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल होता है, इसीलिए काफ़ी सारे ऑफिस में छुट्टी दे देते हैं, लेकिन आज बहुत ही देखो सामने का टावर नहीं दिख रहा, नीचे जाने का मन था लेकिन ऐसा हालत में, मतलब नीचे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी ठंडा क्या है, मैंने हाथ देके देखा है तो नहीं। कल रात को फटाके फूट रहे थे ना ये जगह पे कहीं पे, तो बहुत सारे
दही हंडी तो मतलब हर रोड पे ही कितने सारे हो जाते हैं, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे, इतना बार कर रहा है इधर। फेस्टिवल के टाइम पे पानी अच्छा नहीं लगता, मस्त डांस करने का मन कर रहा है। गाना 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 सुनो सुनो सुनो, बर्थडे पार्टी सुनो। क्या बर्थडे पार्टी चल रहा है, माय गॉड, बारिश बंद हो गया यार। वाओ मैथे कि दम लग छे, देखो कि दम देखते लगे दम, कैमरा तो देखो। वाओ कभी कभार मुझे लग रहा है सुखबीर सर गा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार लग रहा है तो बड़ा फंक्शन हो रहा है। हमारे साला जो ग्राउंड है ना, सोसाइटी मतलब कॉलोनी है, उनका दो तीन ग्राउंड है, उन्हीं का ही वहाँ पे हो रहा है। लेकिन इतना पानी है ना, नीचे जाने का मन नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा नहीं होता है। भोपू का आवाज़ सुना था तब से, मैंने सुन ली, तो शाम से हो रहा है, शाम के टाइम। चाय 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 से चाय नहीं पिया मैं, हाँ तो चाय नहीं पी, ब्लैक टी पिया। हाँ पूरा जगह एकदम, तुम क्या दिखा रहे हो, इधर पूरा फैला हुआ है एकदम। नहीं वो मैं माइनस कर दिया। अरे नहीं कर, किसी किसी दिन लगता है। अरे ना तो हमेशा तो घर बुटाना, घर सजाना। और अभी शाम क्या रात हो चुकी है, रात का 10 बज रहा है। ये घड़ी कभी कभार बंद हो रहा है, कभी कभार ठीक हो रहा है, बैटरी भी नहीं है या उसका मशीन खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो वही मैं सोचा अभी लगाऊंगी वॉल पे, उसके पहले एक बार दिखा के लेके आऊंगी, क्योंकि मेरा भी एक दो घड़ी का बैटरी चेंज करना है। और ये वाला ब्लाउज था जो मैंने साड़ी पहना था जन्माष्टमी के दिन, वो उसी का ही था। तो देखा थोड़ा सा टाइट हो रहा था, और टाइट ब्लाउज पहन के ना रहना मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता, ज़्यादा देर आप मतलब फ्रीली काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए सोचा उसका स्टिच खोलेंगे। और ये और एक ब्लाउज है, सोचा था इसके साथ मैचिंग होगा, लेकिन मैंने निकाला था, लेकिन ये अलग ब्लाउज मतलब अलग से बनवाया था वाइट साड़ी के लिए। तो लेकिन सोचा दूर ये दोनों एक ही लगेगा, एक ही थान से, इसीलिए वो गोल्डन वाला पहन लिया था। और ये साड़ी के साथ मैचिंग करने के चक्कर में मैंने 3-4 ब्लाउज निकाला था, पहले एक ब्लू वाला निकाला था, देखा मतलब कलर कॉम्बिनेशन शायद लाइट में कैमरे में पता नहीं चलता, सच में अभी मुझे देख के लग रहा है, लेकिन मतलब सामने सामने पता चल रहा था। और ये साड़ी सिल्क का ही है, स्वीटी तब नर्सरी में थी उस टाइम का साड़ी है, मतलब बहुत सुंदर है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। ये साड़ी मैंने बहुत ही कम पहना, वैसे फंक्शन में ही तो ये सारे साड़ियां पहनता था। मैंने इसको पॉज किया, कितना क्यूट लग रहा, क्यूट सा बच्चा। मेकअप लगाया है, फेस पैक लगाया था। कहाँ का वो इसका हमारा, कल हमने क्या बोलते हैं इसको, कपड़ा सुखाने नहीं दिया, तो कल का एक लॉन्ड्री और एक आज का लॉन्ड्री। इतना कपड़ा कैसे होता है भाई, स्वीटी बोलती है इतना कपड़ा क्यों होता है। स्वीटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीटी अच्छी निभाती है, वो बहुत है, कब से करती है तू, फिर भी याद तो, जन्म से नहीं, जन्म से नहीं, फिर भी कितना, 6-7 साल से, हाँ 6-7 साल, 4 साल से नहीं, 6 साल से आराम से वो कर रही है, क्योंकि बारिश के टाइम, सिर्फ बारिश के टाइम घर पे सुखाती थी, बाकी टाइम तो बाहर सुखाती थी, तब मैं देती थी। तो वो रात को वैसे ही मस्त प्रो, मतलब 5 साल से, हाँ 5 साल से अगर कोई कपड़ा सुखा रहा है तो सोचो वो प्रो नहीं बन जाएगा। चलो और एक हैंगर लगाना पड़ेगा, ये वाला पूरा दे दिया। गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे। कल मैं पूरा घर समेट नहीं पाई, क्योंकि फास्ट देने का नेक्स्ट डे देखना थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट लगता है, और वीडियो एडिट करना था मैथी सोना व्लॉग का, जो ऑलरेडी शायद आप सब ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। जो भोग का प्रिपरेशन का पूरा वीडियो, वो एडिट करने में 6-7 घंटा लग जाता। और अभी सुबह सुबह शांतनु ऑफिस जा रहे हैं, तो सोचा अभी धीरे धीरे काम करते हैं, क्योंकि टायर्डनेस तो लग ही जाता है, क्योंकि इतने सारे काम के बाद और बैक टू बैक, और बारिश के मौसम में पता नहीं क्यों ज़्यादा ही सुस्ती, मुझे तो लगता है, सबको नहीं लगता, जैसे स्वीटी बहुत एक्टिव हो जाती है उस टाइम पर बारिश के मौसम पर, और मुझे देख के, बारिश देख के मुझे लगता है मुझे बिस्तर खींच रहा है ऐसा वाला, या क्विल्ट खींच रहा है ऐसा वाला फीलिंग्स आता है सुबह सुबह। तो थोड़ा सा सोफे में बैठ के इसको इंजॉय किया, और उसके बाद सोचा नहीं अरे भाई इंजॉय करने से वो नहीं होगा, कल रात को जो दो पूरा बकेट कपड़ा, ये मतलब एक दिन एक डेढ़ दिन नहीं धोने से ऐसे इतने सारे कपड़ा हो जाते हैं, तो वही सारे उठाया, फ़ैन पे ही सूखना होता है, नहीं तो अदरवाइज सूखता नहीं। और कुछ कपड़ा तो सूखा भी नहीं था, क्योंकि कितना भी फ़ैन पे सुखाओ वो जैसा मॉइस्चर, जैसा ज़्यादा मॉइस्चर, अगर 2-3 दिन बारिश हो रहा है कंटिन्यू ऐसा,
तो उसमें क्या कितना सूखेगा, फैन के नीचे भी सूखता नहीं है। तो मैं कुछ रख देती हूँ, बाद में रात को फिर से मैं वही सारे कपड़ा जो थोड़ा सा हल्का सा गीला रहता है ना, वो बाद में रात को फिर से हैंगर पे दे देती हूँ। और पूरा दिन ऐसा फैला रख के मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उठा लेती हूँ। गीला कपड़ा भी अलग से बास्केट में रख देती हूँ, रात को दे दूँगी इस हिसाब से। और क्योंकि पूरा दिन इसको अगर फैला रखूँगी ना तो घर एकदम अच्छा फील नहीं होता, घर थोड़ा क्लीन लगने से अच्छा फील होता। और ये रूम अभी तक पूरा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, ये पूरा अभी खाली है, मेरा सूटकेस वगैरह कुछ यहाँ पे है। Will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. और अभी 9:30 से ऊपर हो चुका होगा। आज सुबह से लेज़ी फील हो रहा था, शांतनु तो 8 बजे चले गए, लेकिन मेरा वही मतलब सुस्ती लग रहा था। तो फाइनली मैं सोचा नहा लेते भाई, नहाने के बाद ही थोड़ा अच्छा फील होता है। और मैंने हेयर वॉश भी किया है, तेल लगा रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा बॉडी पे ना कोकोनट ऑयल ही ज़्यादातर लगाती हूँ। बॉडी क्रीम वगैरह बहुत कम, रेयरली कभी कभी किसी दिन मन होता है या रात के टाइम पर लगाती हूँ, लेकिन दिन पर मैं नहाने के बाद कोकोनट ऑयल। Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. और अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा ये एंजॉय करूँगी। एंजॉय नहीं, आज पूरा दिन बारिश हो रहा है ना, उनका मन कर नहीं कर रहा था। तो सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट में ये पेयर होता है ना, ऐप क्या बोलते हैं हमारे ऊपर पे, नाशपाती बोलते हैं, हाँ पेयर, वही लेके बैठी हूँ। वहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ। ये है काला नमक, ये सारे बर्तन नेक्स्ट डे जब धोऊंगी ना तब दिखाऊंगी, आज हड़बड़ी में धोया था इसीलिए दिखा नहीं पाई मैं। और ये सारे बर्तन ना मैं धो के पॉलिथीन में रख देती हूँ, तो वो काला नहीं पड़ता है। अब जब नेक्स्ट टाइम भगवान के लिए यूज करूंगा तो जस्ट पानी दे के धो के साफ करने से ही हो जाता है, या तो मतलब आप पोंछ के भी रख मतलब यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आएगा तब सारे निकलेगा, त्योहार में निकलता है डेली। इसमें जैसा थाली वगैरह है और इसमें छोटा छोटा जो प्लेट है, रेका भी है, इसको रेका भी बोलते हैं, ऐसा ऐसा वाला, ये सारे इस तरह से रख देती हूँ। जब ज़रूरत होता है ना तब क्या करती हूँ पता, ऐसे करके घुमा लेती हूँ, ऐसे करके खोल के एक ऐसे करके निकाल लेती हूँ ताकि पूरा निकालना ना पड़े। और कटोरी, जो बड़ा वाला कटोरी है वो भी, ये गंगा जल इधर है, इसके अंदर ये पूरा काला है, ये काला को काला काला ही दिखेगा। इसको रैप करना पड़ेगा नहीं तो पूरा काला हो जाएगा आपका। स्पेशली मुंबई जैसा यहाँ पे सॉल्टी वेदर है ना, थोड़ा समुंदर के आसपास जो जहाँ पे होता है वहाँ पे और भी काला पड़ेगा। ये मस्त आइडिया है, पहले मैं भी ऐसे ही रख देती थी लेकिन क्या होता था, हाँ वो काला पड़ जाता था फिर से वो यूज़ करने के टाइम। और इसमें देखो ये खजाना, ये छोटा 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 सब छोटा बड़ा, और ये सेरामिक का है क्योंकि कुछ खट्टा चीज़ें कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते ना, इसमें चौक है। Thank you.
मुझे देख के लग रहा दिन है या रात है समझ में नहीं आएगा। आज पूरा दिन इतना बारिश हो रहा है ना, ठंडी मतलब ठंडी, और मैं सर धोया तो उसके बाद मुझे लगा एक बार में धोया लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब गर्म हो जाता ना कभी कभार ये जगह गर्म हो जाता है तो मैं सर पे पानी डाल लेती हूँ एक दो दिन बाद ही, इसीलिए ठंडा लग रहा था। तो अभी थोड़ा सा हल्का सा ड्रायर दे के सुखाया, देखो दोपहर का 3 बज रहा है, इसीलिए आज लाइट जला के आज लग रहा है। हाँ आज रात कोजी वाला, ऐसा बारिश होने से कैसा फील होता है, मतलब पकोड़ा खाए चद्दर ओढ़ के सो जाए ऐसा वाला। ये चावल का रोटी आज मेरा लंच हो रहा है ना, मस्त है चावल का रोटी खाए, 2 दिन पहले बना के रखा था। चावल का रोटी फ्रिज में अच्छा रहता है, इसको तोड़ लिया पहले, थोड़ा सा तेल में सूखे में सूखी भी थोड़ा सा खाएगी, त्यागी आई ना तो इसलिए अभी बनाएगी। चावल का रोटी में सॉल्ट थोड़ा कम था, इसमें भी स्वीटी थोड़ा सा खाएगी, क्योंकि वो दाल चावल सारे भी रखा। और अभी इसको फ्राई फ्राई कर रही हूँ, आज एकदम बारिश में क्या खाना क्या मन कर रहा था, गर्मा गर्म सूप की पूरे चाय बना दिया, आज मेरा लंच थोड़ा अलग है क्या, दाल चावल खाने का मन नहीं। ही तू खाबी है, ये है फ्राई फ्राई करके इसके बाद इस तरह से थोड़ा कड़क करके धीमी आँच पर फ्राई करेंगे तो अच्छा। चुन चुन के कड़क वाला लेगी, जा फ्राई कर। स्वीटी का फेवरेट स्पॉट है ये, यहाँ पे आके वो सोना, उसको बोलते नींद अच्छा आता है, एक घंटा बोले सोए तो चलो सोने देते एक घंटा, आज लेट आई। और उसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया और ये सारे अभी समेटना है, क्योंकि ये पूजा वूजा के बाद कल तो मैंने समेटा नहीं था क्योंकि कल दही हांडी था, इसीलिए कल रहने दिया क्योंकि कल ही तो जन्माष्टमी था, तो आज सोचा नहीं। कल मैंने हार वगैरह पूजा का जो भी वो सारे चेंज किया था, लेकिन भगवान को अपने स्थान पर मैं यहीं पर रखती हूँ, ये जो जगह आप देख रहे हो जहाँ पर हमेशा देखा है अपने किशन जी को मैं रखती हूँ। और किसी ने बोला था मैत्री अपने लाल कपड़ा क्यों नहीं बिछाया पाट पर, एक्चुअली मैं किशन जी को ज़्यादा पीला वाला कपड़ा पसंद करती हूँ, किशन जी का ब्लू कपड़ा, ये सारे कपड़ा मैंने पूछा था, मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला था नहीं ऐसा कोई रूल्स नहीं है जो आपको लाल वाला कपड़ा ही देना है। हाँ पूजा का ऐसा मैं ज़्यादातर देखा होगा अपने लाल वाला कपड़ा यूज़ होता है, लेकिन अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर है तो ज़्यादातर पीला इस तरह से कपड़ा यूज़ करना अच्छा होता है। लाल वाला कपड़ा नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो जोन के लिए लाल चीज़ उतना शुभ नहीं होता है, मतलब वो मानने ना मानने के ऊपर ही, ये मेरे मानने का नज़रिया होता है। देखो सबका अलग अलग होता है, मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकती जो आपको क्या करना है, सबका खुद का नज़रिया होता है। और ये सारे बलून क्यों फूट रहा था निकालने के टाइम, और धीरे धीरे सेलो टेप, क्योंकि सेलो टेप निकालना ना कभी कभार ना वो और ये सारे मैं इस तरह से रख देती हूँ, ये भगवान का कपड़ा मैं इस तरह से छोटा छोटा बॉक्स में ना रखती हूँ, तो मतलब ये सब गिफ्ट बॉक्स आता है ना किसी चीज़ के साथ आया था, प्रिंटेड है यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे जो बॉक्सेस है इस तरह से, इसमें भी भगवान का कपड़ा है, इसमें भी जो आसन वगैरह होता है ना वही है ऊपर का, उसमें भी इसमें तोरण वगैरह है, इस तरह से ऑर्गेनाइज रखो ना तो अच्छा रहता है। बारिश के मौसम में काम करना ऐसे भी उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज सोचा पूरा घर समेट के भगवान का जो भी सामान है वो सारे रख के उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी शाम के टाइम पे। और ये जो थाली है ये मैं कोल्हापुर से लेके आई थी, मेरा धनतेरस वीडियो में मैंने शेयर किया था, ये सिल्वर का है, ऑक्सीडाइज है और घुंघरू वाला, ये मेरा एक ड्रीम था इस तरह से, मतलब एक धनतेरस के लिए मैंने सोच के कोल्हापुर महालक्ष्मी वहाँ पर गई थी तो वहीं से लेके आई थी। ये बेसिकली राजस्थानी डिज़ाइन है, जयपुर या कहीं से तो था, ये प्रॉपर सोलापुर कोल्हापुर का नहीं है, ये जयपुर से ही आया था, एक दुकान था वहाँ पे देख के मुझे पसंद आया था। और यहाँ पे इस तरह से जो ट्रंक वगैरह है इसमें भगवान का कुछ सामान रहता है, जैसा बड़ा वाला आसन वगैरह और चेयर वगैरह सब कुछ ठीक करके उसके बाद मैं सोचा मैं रेस्ट करूँगा, पूरा दिन अंधेरा भी है इसीलिए मैंने लाइट भी जला के रखा, दिन है ये रात है समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा कृष्ण जी यहाँ पर अच्छा लगता है, कृष्ण जी का और राधा रानी का जो एयरिंग पहनाया था वो किधर अंदर चला कि समझ में नहीं, बस स्टिकेबल होता है ना तो पता नहीं, जब खोलूंगी तब दिखेगा। और ये छोटू सा गाय और बेबी इनके साथ यहाँ पे कृष्ण जी रहता है, और ये जो अखंड दिया। और हाँ कोई कोई पूछ रहे थे ये जो ब्रास का
जो शंख है ये बजने वाला शंख है, ये कहाँ से लिए? ये सीढ़ी से लिया था। सीढ़ी में वो मंदिर के आसपास में बहुत सारे दुकान रहता है ना, ये प्रॉपर बजता है, किसी दिन दिखाऊंगी। ये इस तरह से देखो थे, ये नारायण और लक्ष्मी जी का, तो मैं इस तरह से यहाँ पे रखती हूँ। क्या चल रहा है? क्या देखा 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 क्या चल रहा है? बचा हुआ प्रसाद, बचा हुआ प्रसाद, रसमलाई बचा बचा के रखा था। आज खत्म रसमलाई, अभी कितना दिन रहेगा? अभी आलू पोस्त तो बनाया था, सिंपल डाइट। एज अ बंगाली ये सिंपल डाइट होता है, मतलब जिस दिन आपको ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है उस दिन ऐसा दाल और आलू पोस्त। आलू पोस्त, आलू हम लोग ज़्यादा क्यों खाते हैं ये क्वेश्चन है। बंगाल में आलू ज़्यादा उगता है, जो भी सब्जी है जहाँ पे उगता है। साग वगैरह हम लोग कम खाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बंगाली साग है ना, जैसा अभी रेनी सीजन में तो एकदम भी साग नहीं खाते। नहीं, कुछ साग रेनी सीजन में ही होता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है, जैसा पाट साग, पाट साग, कोलमिल होता है, ये सब है। लेकिन यहाँ पे हर टाइम पे हर जगह पे नहीं मिलता, मिलता भी नहीं है। तो कोलमिल होता मुंबई पे नहीं देखा है मैंने, तो इसलिए ये पालक तो हम लोग बारिश में कभी नहीं खाते पालक, लेकिन पालक पनीर खाने का मन कर रहा है। बारिश के बाद